लाजपत नगर रामलीला मैदान के भव्य रंगमंच पर श्री ब्रज कृष्ण लीला रामलीला संस्था वृंदावन के निर्देशक पंडित कैलाश चंद्र शर्मा के कलाकारों द्वारा अयोध्या में भरत शत्रुघ्न का आगमन, दशरथ मरण, राम लक्ष्मण सीता से वन में अयोध्या वासियों के साथ भरत जी का मिले जाना, राम द्वारा भरत जी को खड़ाव प्रदान करना, पंचवटी में कुटिया बनाकर रहना, शूर्पनखा की लक्ष्मण द्वारा नसीका भंग करने तक की भावपूर्ण मंचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा द्वारा सहधर्म पत्नी भगवान श्री राम की आरती की गई। मुख्य अतिथि के द्वारा पूजन ठाकुर जी का और ठाकुर जी को माल्यार्पण, पत्र पुष्प अर्पण, भाव आप दर्शन कर रहे हैं। शूर्पण का नाक भंग तक प्रसंग जाएगा, शांति से इसी प्रकार आनंद लें। अयोध्या के महल में भाई राम से मिलने के लिए अयोध्या वापस लाने के लिए गुरु वशिष्ठ और तीनों माता सुमंतो के साथ चित्रकूट चल देते हैं। वहां दोनों भाइयों का मिलन होता है। वापस चलने को कहते हैं, वे पिता के निधन का समाचार देते हैं। राम भरत जी को खड़ाव देकर राज्य करने को कहते हैं। भगवान के हाथ में भगवान भूल हो गई। अब ऐसा है, माफी मांगो, अब केला तो है नहीं, आप छिलका ही खा लीजिए, मुझे क्षमा कर देना। मांगा हो
तो यीशु की इच्छा, आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया और मैं आज तुमसे प्रसन्न होकर कहता हूँ, जो तुम्हें वरदान मुझसे मांगना है वह वरदान मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वही दूंगा। वरदान मांगो? मुनि कहे मैं बर कबहू ना जाचा। हे भगवान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैंने तो कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं और मैं मांगना चाहता ही नहीं। अरे ऐसा है, आपको जो अच्छा लगे वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी, यही हो जाएगी बात खत्म। आप आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मांग लो। भगवान फिर कहा ना, मुझे तो कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं मांगने की, मैं क्या मांगू? जो आपको अच्छा लगता हो वही मुझे दे दीजिए। भगवान भगवान तो मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। जय हो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अब मांगूंगा। अब मांगूंगा? अब मांगना आ गया। अच्छा, तो क्या प्रभु ने बिना मांगे दे दिया तो अब मांगना आ गया? अरे मांगना सिखा दिया ना भगवान ने, इसलिए मांगना आ गया। अब मांगूंगा, पहले तो कह रहे थे मांगो जब मैं मांगना नहीं जानता, और अब जान गया हूँ तो अब कहते हैं कि क्या चाहिए। पूछो महाराज, पूछो क्या चाहिए। मांगो, क्या चाहिए तुमको? हाँ तो सुनो, मैं क्या कहता हूँ, चौपाई सुन लो। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही ये गगन इंदु ये बसहु सदा निकाम। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे भगवान, मैं आपसे बस यही मांगना चाहता हूँ कि आप अपने अनुज लक्ष्मण के साथ, माता जानकी के साथ हाथ में धनुष बाण लेकर के सदैव मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब प्रभु आगे चलने के लिए तत्पर हुए। सुतीक्षण जी, भगवान हमें मुनि अगस्त जी के यहाँ जाना है। आए आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अगस्त जी के यहाँ। सुनिए भगवान, आप वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वह अगस्त जी जो आप नाम ले रहे हैं वो हमारे गुरु जी हैं, और हम आपको गुरु जी के पास नहीं ले जाएंगे। अरे प्रभु, हाँ। आप नहीं जानते, उन्होंने हमको अपने आश्रम से मार के भगाया था, मार के भगाया था। क्यों मार के भगाया था, वो बात तो बताओ। इस बात को राम सीता लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर कुटिया का निर्माण करते हैं। एक दिन लंकापति रावण की बहन सूपनखा वन आगमन करती होती है, उसकी निगाह दो सुंदर राजकुमारों पर पड़ती है और वे विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम लक्ष्मण के पास भेजते हैं, लक्ष्मण राम के पास। सूपनखा भयंकर रूप धारण कर सीता पर झपटती है, लक्ष्मण उसकी नाक काट लेते हैं। व्यवस्था में विनोद सक्सेना, श्याम कृष्ण रस्तोगी, मुकुल बंसल, राजेंद्र अग्रवाल, श्याम मोहन अग्रवाल, शमी रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे।